ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପରିସରରେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। इस पवित्र तिथि का उपयोग और प्रयोग हो। ये वृंद विस्मिन वृंद क्षेत्र प्राणियों पर कृपा करें, भारत विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करें, एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में भाषित हो, सनातन वेदाविश्वास सम्मत सिद्धांत इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हैं। वेदाधिकार संबंध उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निद्रा अनुग्रह का विज्ञान आज भी यथावत अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ है। विश्व के जितने वैज्ञानिक हैं उनको हजारों वर्षों तक स्वस्थ मार्गदर्शन देने की क्षमता परंपरा प्राप्त आचार्यों में समृद्ध है। नारायण ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। तब मैं कोई वचन विन्यास करूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश प्राप्त है समिति को कि शंकराचार्य का परामर्श लेकर के कोई कदम उठाया जाए। मेरे सामने जब बैठक ही नहीं होगी समिति की तो मैं परामर्श क्या दूँगा। मूल बात यह है कि आचार्य से शंकराचार्य से बचने का प्रयास यहाँ की समिति भी करती है, यहाँ की सरकार भी करती है। मुझे डट के टांग हराने की भावना नहीं है, मुझे विश्व का दायित्व मैं समझता हूँ। ऐसी स्थिति में अगर समिति चाहे शासन कम चाहे तो हमारे पास करके अपनी स्थिति व्यक्त करे, उसके बाद में कुछ भी बोलूँ तो ठीक रहेगा। ସେପଟେ ମଠ ପରିସରରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂଜନ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବିକଳ୍ପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଠାଧୀଶର ପୂଜ୍ୟ 185ତମ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତ୍ର 8 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗତପାଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପଢ଼ାୟତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନରେ ଏକ ଧର୍ମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର 15ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।